हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल मिल्क शेक। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए हमने ये दो एप्पल लिए हैं, जिसे अच्छे से वॉश करके लिया है। ये 5 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर लिया है, ये 1/2 लीटर हमने मिल्क लिया है, और ये व्हिप क्रीम है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। व्हिप क्रीम चॉइस के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। तो आइए एप्पल मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसका कवर निकाल लेंगे। इस तरह से मैं पूरा कवर दोनों का निकाल लेती हूँ। ये एप्पल को इस तरह से ग्रेट करके लेंगे, हम दोनों एप्पल को ग्रेट करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एप्पल को दोनों एप्पल को ग्रेट करके लिया है। अभी हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। हमने इसे मिक्सी के जार में डाल लिया है। अभी इसमें हम ये पाउडर शुगर जो हमने 5 टेबलस्पून लिया है ये डालेंगे, और 2 कप हम मिल्क डालेंगे। ये 2 कप हमने मिल्क डाला है, और अभी हम ये 2-3 चम्मच व्हिप क्रीम इसमें ऐड करेंगे। मिक्सी को बंद करके हम इसे, ये हमारा मिल्क शेक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ग्लास में पोर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा बना है, और कलर भी देखो आप इसका कितना अच्छा आया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप क्रीम पोर करेंगे। बीच में ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके लिए हैं, काजू और बादाम, पिस्ता और काजू हमने कट करके लिए हैं, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बना है हमारा मिल्क शेक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एप्पल मिल्क शेक बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।